आदरणीय सांसद भाई शैलेश कुमार बुलो मंडल जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ में मैं कहना चाहता हूँ, आज तक जितने सांसद हुए हमारे इस मालपुर के व्यथा को किसी ने नहीं समझा, किसी ने इस उनके दर्द को नज़दीक से नहीं जाना। इन्होंने इस मालपुर प्रखंड के वासियों को सुना, समझा, संजीदगी से इस पर गहन विचार करते हुए इन इस्माइलपुर प्रखंड वासियों को रिंग बांध देकर पानी से निजात दिलाया, सड़कों की जाल बिछाकर आवागमन की सुविधा दी। मैं इनका जितना आभार व्यक्त कर सकता हूँ बहुत कम है। इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे इन्होंने क्या किया है। बिहार में भागलपुर संसदीय क्षेत्र का इस्माइलपुर प्रखंड, ये प्रखंड करीब 75,000 की घनी आबादी वाला क्षेत्र है। साथ ही ये प्रखंड NH 31 नवगछिया समेत विक्रमशिला पुल को भी कनेक्ट करता है। लेकिन प्राकृतिक आपदा हर वर्ष इस क्षेत्र को संकट में डाल देती। लोग बाढ़ से तबाह हो जाते थे, गांव के गांव डूब जाते थे, न खेती हो पाती थी, न मवेशी सुरक्षित रह पाते थे। आवागमन के संपर्क का टूट जाना आम सी बात हो गई थी। लेकिन वर्ष 2014 में शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल के यहाँ से सांसद बनने के बाद उन्होंने क्षेत्रवासियों के इस कष्ट को नजदीकी से समझा और प्राकृतिक आपदा से राहत देने तथा जन कल्याण के लिए करीब 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी का रिंग बांध तैयार करवाने का निश्चय किया। और आखिरकार अपने लगातार प्रयासों के बाद अब इसका कार्य शुरू भी करवा दिया। अब यह बांध वर्ष 2019 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस बांध के बनने के बाद जनता को बाढ़ की समस्या से निजात मिल जाएगी, वहीं किसानों को राहत मिलने के साथ मवेशियों की सुरक्षा और समय पर कृषि कार्य भी संपन्न हो सकेंगे। इसके साथ ही आवागमन की समस्या भी दूर हो सकेगी। इतना ही नहीं, पहले इस्माइलपुर प्रखंड में सड़कें न होने के कारण यहाँ का विकास किसी सपने जैसा था। अगर लोग बीमार हो जाते थे तो उन्हें चारपाई पर टांग कर दुर्गम मार्ग से ले जाना होता था। कई बार चुनावी वादे तो होते थे लेकिन नतीजा नगण्य था। मगर शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने सांसद बनने के बाद घनी आबादी वाले इस क्षेत्र की इस परेशानी को भी समझा और इस्माइलपुर प्रखंड में करीब 40 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक सड़कों का जाल बिछा दिया, जिसने न केवल आवागमन को आसान कर दिया बल्कि इन सड़कों को NH 31 विक्रमशिला पुल और नवगछिया से जोड़कर इस्माइलपुर क्षेत्र में विकास की नई रूपरेखा खींच दी। रोड बनले, बहुत साधन होले जा रहे हैं। कत्ते में कहाँ जल के रिंग बांध, रिंग बांध कोई नहीं बना है। इन पुलों में तो दम बना है। अभी हमारा प्रखंड कैलाश है, सबके गांव प्रवेश कर देते हैं। पहले से यहाँ अभी सबसे ज़्यादा विकास हो रहा है। पहले हम लोगों को एक दूसरे गांव जाने में बहुत दिक्कत होता था, अभी एक दूसरे गांव में सही ढंग से पहुंच जाते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा कष्ट था कि कहीं रोड का जो है कोई अता पता नहीं था, एकदम बड़ा नाव से लोग को पानी पनिहारे में जाना पड़ता था। इसके बाद संसद जी जो जब से बने तब से जो है रोड का जो है पूरा जाल तो बोलिए हमारे सब पहले कपाम घूर छे, अब बढ़िया रोड हमारा सबके हो गए, बिजली व्यवस्था सब चकाचक छे, राशन पानी और रिंग बांध हो गए, तो बस उधारे हो जाए। जब से मंडल आए हैं गांव से गांव सड़क को जोड़ दिए। आदरणीय सांसद शैलेश कुमार इन उपलब्धियों को राजद नेतृत्व के कुशल मार्गदर्शन का नतीजा बताते हैं। उनके इन्हीं प्रयासों से क्षेत्र की जनता ने एक स्वर में उन्हें फिर से सांसद के रूप में अवसर प्रदान करने का फैसला किया है। आइए सांसद शैलेश कुमार के साथ कदम से कदम बढ़ाएं और भागलपुर के विकास में नया आयाम जोड़ें। आपने इस वीडियो को संजीदगी से सुना, आपने समझा, इसके लिए आप सबों को फिर से नमन है। और मैं चाहूंगा कि फिर 2019 में माननीय सांसद भाई बुलो जी मंडल को फिर से सांसद बना के भागलपुर का नेतृत्व दें।